वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो ब्लॉग होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो आज मैं जाने वाली हूँ ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा, जो कि है बोरीवली वेस्ट में, मुंबई बोरीवली वेस्ट में है ये प्लेस। जो पगोड़ा एक बहुत ही फेमस प्लेस है फॉर अ मेडिटेशन पर्पज। यहाँ पर लोग मेडिटेशन के लिए जाते हैं। अगर आपको ऐसे ही विजिट करना, आपको मेडिटेशन नहीं करना है, तो आप वैसे भी जा सकते हो। तो मैंने इस ब्लॉग में ये सारी चीज़ें कवर की कि मैं आपको कम से कम एक्सपेंसेस में ग्लोबल विपस्सना पगोड़ा में लेकर चलूँ। तो बढ़ते आगे की तरफ, चलते ग्लोबल पगोड़ा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले आप जहाँ कहीं भी रहते हो, आपको आपके घर से जो भी नियर बाय स्टेशन है आपको वहाँ तक आना है। वहाँ से आपको टिकट निकालनी है रिटर्न बोरीवली, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से थाने टू बोरीवली रिटर्न निकाली है, जिसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 रुपीज़ गई रिटर्न टिकट का। तो अभी मैं यहाँ से थाने टू दादर जाऊँगी, फिर दादर से मुझे ट्रेन चेंज करना है और मैं जाऊँगी बोरीवली। आप अगर बोरीवली स्टेशन पहुँच जाते हो तो आपको बोरीवली वेस्ट में उतरना है और फिर वहाँ से आप लोगों को लेना है बस, जो बस का नंबर है A294। ये बस का कॉस्ट जो है वो पर पर्सन 6 रुपीज़ है, वो आपको गोराई खाड़ी तक छोड़ देंगे। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गोराई खाड़ी। और अगर अभी हमें यहाँ से पगोड़ा जाना है तो हमें सबसे पहले लेना होगा फेरी। तो फेरी लेते टाइम आप ये नहीं कन्फ्यूज़ होना कि हमें टिकट कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। आपको जस्ट अभी फ़िलहाल के लिए फेरी के अंदर जाना है और बैठना है। देन जब भी आप फेरी से उतर जाते हो और जब भी आप एग्ज़िट करते हो तो आपको वहाँ पर टिकट काउंटर पर टिकट लेना है। तो पर पर्सन जो भी कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ है, और अगर आपके पास टू व्हीलर वगैरह है तो आपको 25 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, वो नज़दीक ही है। आप यहाँ से देख सकते हो कि वो पगोड़ा टेम्पल दिख रहा था। देन फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये व्यू, भले से वो 5 मिनट के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे सब देख करके, बोट में बैठना, ये सब इन्जॉय करना। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पर आगे जाके सबसे पहले हमें अपनी टिकट लेनी है। सो हमने यहाँ पर अपना टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अगर आप आगे आते हो तो आपको पगोड़ा जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है ऑटो। क्योंकि ये गांव खेड़ी एरिया है तो आपको यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन मिलेगा। ओला उबेर आप नहीं कर सकते, बस यहाँ पर आता नहीं है। अगर आप ऑटो से आते हो तो 80 रुपीज़ चार्ज करते हैं, फिर आप एक हो दो हो तीन हो चार हो कितने भी लोग रहो, वो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। सो द फाइनली वी हैव रीच्ड एट पगोड़ा। और मेरे पीछे आप देख सकते हो मैन मारे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो आपको सबसे पहले टाइम पता होना चाहिए, एंट्री फीस पता होना चाहिए। तो यहाँ का जो टाइमिंग है वो है मॉर्निंग 9 o'clock टू इवनिंग के 7 o'clock तक और फिर उसके बाद एंट्री फीस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी टूरिस्ट गाइड वगैरह का भी चार्जेस नहीं है। तो आप मैन मार्क गेट, और आप देख सकते हो कि ये जो एंट्रेंस पे आप दोनों भी साइड पगोड़ा के ये जो वाइट कलर के सी देख रहे हैं वो एज अ प्रोटेक्टर वहाँ पे मौजूद हैं। फिर अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको यहाँ पर अलाउ नहीं है, ये आपको एंट्रेंस पे ही आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जाना है। अगर यहाँ पर आप जाते हो तो आपके लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए भी अलग अलग लाइन है। और मैं आपको फीमेल के लिए एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर शॉर्ट्स वगैरह और या तो फिर ट्रांसपेरेंट ड्रेस वगैरह पहन के जाते हो तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो और कोई भी नशीले पदार्थ वगैरह भी अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी पे आपका बैग वगैरह चेक किया जाता है और सब निकाले। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप लोगों ने एक बार एंट्रेंस पे यहाँ पे चेकिंग करवा ली है, ठीक है। तो आप स्टेयरकेस से वापस से अगर ऊपर थोड़ा जाते हो ना थोड़ा, तो आपको सेकेंड टाइम वापस से, मतलब इनके लिए इतना सिक्योरिटी पर्पज़ इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये सेकेंड टाइम वापस से जो है हमारी चेकिंग वगैरह करते हैं। फीमेल और मेल दोनों के लिए अलग है, जैसे नीचे था तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आ गए। और यहाँ पे ही एक इन्फॉर्मेशन डेस्क है जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपके लिए एक टूरिस्ट गाइड है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो टूरिस्ट गाइड है ना, वो एक
एक्चुअल में कोई बंदा नहीं होता, वो एक्चुअली एक एप्लीकेशन है उनका, तो आपको वो डाउनलोड करना है और वहाँ पर वो आप अपना ग्लोबल विपसाना जो भी है पगोड़ा, उनका वाईफाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट करके देते हैं, आपको फ्री वाईफाई मिल रहा है और आपको ये अपना एप्लीकेशन बताते हैं कि जहाँ पे भी आपको यहाँ पे 21 प्लेसेस है विजिट करने के लिए, तो आप जहाँ पे भी जाओ तो उनके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको वो जो एप्लीकेशन है वो आपको एक गाइड करता रहे, आपको वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डेड ऑडियो है, देन उसके बाद अगर आप रीड करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आप रीड भी कर सकते हो। तो अभी हम निकलते हैं बाहर की तरफ और हम लोग यहाँ पर चलते हैं ऊपर की तरफ, तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से कितना ज़्यादा प्यारा सुंदर सा व्यू है वो। सो जो आप लोग ये देख रहे हो, ये जो है ये है मेन पगोड़ा, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर एक ये जो हम सुनते आ रहे विपसना, ये जो विपसना है ये पाली वर्ड है, इट मीन्स टू से स्पेशली इट इज़ अ मेडिटेशन टेक्निक जो बनाया था गौतम बुद्ध ने, विच मीन्स टू सी थिंग्स एज दे रियली आर। एंड मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, इट इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट पिलरलेस स्टोन डोम इन वर्ल्ड, और मैं आपको एक बताती हूँ कि यहाँ पर आप एक साथ में 8000 लोग बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हो, और जो इनका कंस्ट्रक्शन का काम है वो करने के लिए टोटल 11 ईयर्स चले गए। 1997 में इनका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, लेकिन जो एक्चुअल वर्क है वो 2000 में स्टार्ट हुआ था और 2008 में फिनिश हो गया था। हालांकि आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पर ऊपर कुछ तो अभी भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चले रहा है, पर अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आपको टेंशन लेने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि आप कहीं पर भी किसी भी यहाँ पर जाते हो तो आपको ऐसे प्रॉपर बोर्ड मिलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइड मिल जाएगा कि ये साइड ये है ये साइड ये है, तो आप देख सकते हो कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक बहुत ही बड़ा सा बहुत ही सुंदर सा बेल है, ये जो बेल है ये धातु का है और ये म्यांमार के विपश्यन साधकों ने एक गिफ्ट के तौर पर दिया था, और ये इसका जो वेट है ये 18 मीट्रिक टन है, और मैं आपको बताती हूँ कि ये बेल ये रिप्रेजेंट करता है जाग, इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू मेडिटेशन, इट्स टाइम टू टेक अ फूड, इट्स टाइम टू टेक अ रेस्ट, ये ऐसे ये दिन भर में 4 बार ये बेल बजाते हैं और ये चारों भी चीज़ें ये बेल रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा बेसिक विपसना मेडिटेशन के बारे में बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आना चाहते हो तो आपको मिनिमम 10 डेज के लिए आना होगा। ये जो 10 डेज वाला कोर्स है ये ही सबसे कम डेज वाले कोर्स हैं। आपको अगर मेडिटेशन सच में ही करना है तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, देन उसके बाद आपका जब भी टर्न आएगा वो आपको बुला लेते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ बताती हूँ कि आप बाहर अगर कहीं मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर आपका जो भी फीस वगैरह आपको वो देना पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर रहने से लेके खाने से लेके सारी सुविधा जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ कि मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो इम्प्रूव इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी, देन उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड इंक्रीजेस, देन हम लोग नेक्स्ट ये भी बोल सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेस ऑफ द माइंड एंड इम्प्रूव, देन ये भी हो सकता है कि मेमोरी बिकम वेरी शार्प एंड मेनी मोर। देन अभी बढ़ते हैं आगे की तरफ जो है प्रतिक्रमा लेवल, और यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको कि देखो यहाँ पर क्या क्या है, महाबोधि ट्री है, देन उसके बाद साउथ पगोड़ा है, देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा व्हील्स ऑफ दम्मा एंड मेनी मोर। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखो आप कितना ब्यूटीफुल है, मतलब ये रूफ है ये जो है ना ये पगोड़े का रूफ है, कितना सुंदर दिख रहा है ये। और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है ना कि यहाँ पर आप जो वॉल पे ये लिखा हुआ देख रहे हो, इनके ऊपर इतनी खूबसूरत मतलब इतनी सुंदर सुंदर लाइन लिखी हुई है ना कि पढ़ते ही मन खुश हो जाता है। और ये ऐसे यहाँ पर मतलब ऐसे कुछ तो ये लोगों ने ना ऐसे साउंड वगैरह लगा के रखते हैं कि बहुत ही अच्छी सी गुड वाइब्स आती है। देन ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये गेट्स है, इनके अंदर आप लोगों को जाना अलाउ नहीं है, अगर आपको जाना है तो आपको मेडिटेशन के लिए अप्लाई करना होगा, देन ही आप इनसाइड जा सकते हो। जो मेडिटेशन करते सिर्फ उनके लिए ही अंदर जाने के लिए परमिशन है। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, तो थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दिख
लगता है व्हील्स ऑफ दम्मा। ये जो है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सब लोग ऐसे बोल रहे थे कि सिर्फ राइट की तरफ घूमता है, कितना भी हवा वगैरह आए ये सिर्फ राइट की तरफ घूमता है और कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है, जैसे कि वो राइट लाइवलीहुड, देन उसके बाद राइट व्यू, देन राइट एफर्ट और राइट क्या कॉन्सेंट्रेशन, देन राइट इंटेंशन, देन उसके बाद राइट एक्शन और राइट स्पीच। देन अगर अभी हम इसके जस्ट बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर एक ऐसे बनाया हुआ है, इसे इसका नाम जो है ये है प्रेक्षा मंच। अभी यहाँ पर सब लोग ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पर अगर आप बैठते हो तो आपको थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आती है। देन इसके ही जस्ट बाजू में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दो स्टैचू है, जो है श्री सत्यनारायण गोयनका और श्री इलायची देवी गोयनका। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे और ये दोनों मेडिटेशन टीचर थे। जस्ट इसके ही बाजू में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सा गार्डन दिखेगा, बट ड्यू टू कोविड अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर बंद है। देन मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर के मैं आपको यहाँ पे एक बार ही पूरा व्यू दिखा देती हूँ, ओवरऑल कैसे दिखता है ये। देखो आप यहाँ पर, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पर देखना, अभी थोड़ा सा नीचे ये जो आपको सामने गेट दिख रही है, ये जो है ना ये मेन गेट है पगोड़ा का, और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेकेंड नंबर पे ये सबसे बड़ा डोर है ऐसे वर्ल्ड में आपने कहा जाता है। ये जो है ना लकड़ी से बनाया गया और इसे बंद करने के लिए ना सागौन ऐसे किसी लकड़ी का तो यूज़ किया जाता है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, यहाँ पर एक मूर्ति है जो है सयाजी उबा खीन की। ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो ये कितना बड़ा सा गेट है और इसके ऊपर तो इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बोलूँ। बहुत ही प्यारा सा ये गेट भी था, इसके ऊपर गेट के ऊपर भी कुछ तो अलग अलग ऐसे अशोक चक्र और भी कुछ अलग अलग से ऐसे बनाए हुए डिज़ाइन वगैरह। देन ये देखो, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है नॉर्थ पगोड़ा, ये सबसे फर्स्ट बनाया गया था। देन अभी हम लोग आ चुके हैं बोधि वृक्ष की तरफ। ऐसे कहते हैं कि बोधि वृक्ष उसी वृद्ध की सखा है जिसकी छाया में बैठकर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितने सारे ये सोलार एनर्जी इनका यूज़ ये लोग करते हैं। देन यहाँ से मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखा देती हूँ जितना मुझसे कवर हो सकता है। देख लो आप यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। ये हम लोगों ने जहाँ पर एंट्रेंस किया था उसका बैक साइड वाला पार्ट है। देखो फिर भी कितना सुंदर सा लग रहा है, ऐसे लग भी नहीं रहा कि वो पीछे का पार्ट है। देखो और यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत खूबसूरत से दो हाथी बनाए गए, ये भी ऐसे झुक करके गौतम बुद्ध को एक ऐसे बोलते हैं ना कि उनको एक सैल्यूट करना, उस तरीके में ऐसे ये मीनिंग ऐसे बताया जाता है कि ये हाथी इसलिए ऐसे। देन अभी देख रहे हो आप यहाँ पर, यहाँ पर भी एक जैसे वहाँ पे बेल था, यहाँ पर ऐसे एक नगाड़ा वाला भी है। देन अभी चलते हैं आगे की तरफ। देन यहाँ पर अभी हम आगे की तरफ बढ़ते तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए मोस्ट ऑफ सारे लोग यहाँ पर आते हैं, जो है गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सी स्टैचू वहाँ पर है, तो हम वो देखने जा रहे हैं। तो इसी लाइन में आपको फूड प्लाज़ा भी है, अगर आपको नाश्ता वगैरह कुछ भी करना है तो आप यहाँ पर आ करके कर सकते हो। और जो फूड प्लाज़ा में जो रेट वगैरह है वो भी रीज़नेबल है, ऐसे नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट है, ऐसे कुछ भी नहीं है। कॉस्ट जो है वो एकदम प्रॉपर है, लेकिन मैं ऐसे ये नहीं बोल सकती कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मुझे तो ठीक ठाक लगा, तो वैसे मैं ये बता देती हूँ कि मुझे टेस्ट जो है वो ठीक लग रहा था, लेकिन आप अपनी अपनी चॉइस होती है। देन अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। देन अगर अभी हम थोड़ा सा फूड प्लाजा के आगे आते हैं तो हमको यहाँ पर दिखता है गौतम बुद्ध जी की मूर्ति। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है ये। देखो आप कितनी इसकी सुंदरता देख लो, मैं क्या बोलूँ, जितनी तारीफ़ की जाए ना उतनी कम है, कुछ इस टाइप की लग रही है मुझे तो। देन इसके जस्ट अपोजिट साइड में, मुझे ये नहीं पता कि ये सिम्बॉल किस चीज़ का है, बट ये भी जो है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जिस दिन हम गए थे ना उस दिन थोड़ी सी बारिश होने लगी, तो इसलिए मैंने ये वाला जो जगह है ना ये ज़्यादा कवर नहीं किया था।
यहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ, अगर आप यहाँ से अंदर जाते हो तो आपको यहाँ पर जो ऐसे चित्र प्रदर्शनी वगैरह बोलते हैं ना, जो ऐसे पिक्चर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पिक्चर्स वगैरह, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको इस साइड में दिखने मिलेंगी। और बाकी चीज़ें तो सारे ऑलमोस्ट मैंने सारी कवर ही कर ली है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ कवर नहीं किया है, मैंने मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है वो कवर करने के लिए ट्राई किया है। और बहुत सारी जगह पे ऐसे भी था कि कैमरा आप नहीं लेके जा सकते थे, तो मुझसे जितना पॉसिबल हुआ है मैंने वो सारी चीज़ें कवर की हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पर है, जो आपको ऐसे पिक्चर्स वगैरह जो मिलते हैं ना वैसे कुछ है यहाँ पर, आप यहाँ पर भी आ सकते हो, जो भी पिक्चर्स वगैरह है देख लो। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे मेन फ़ोटो गैलरी है, ठीक है। आप यहाँ पे, इसके इनसाइड मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही क्लिप लिया है।